Hey guys, this is me, Ravi here. This is your boy, Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और आज रबी गैंग को ज्वाइन करो. हमारे व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम रबन आजम, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज सब्सक्राइब. चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. टाइटल तो गाइस आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं. वो आज की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत मूवी है 12th फेल, जो कि बहुत आजकल चर्चों में हर बंदा उसके बारे में डिस्कस कर रहा है बिकॉज वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, ट्रूथ पे बेस्ड है. तो उसकी हमने वीडियो निकाली है. बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उस पर भी करें आप जरा. तो टाइटल है 12th फेल मूवी बिहाइंड द सीन्स रियल शूटिंग लोकेशंस ब्रिलियंट डिटेलिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. तो देखते हैं. पीछे जाओ. वंस आई एम डन विद दैट शॉट आई एम डन विद देम. एक्शन. अरे यार साइड पे. एंड कट. दशकों में कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छू जाती है. 2009 में आई थी आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स और अब 2023 में विक्रांत मसे की 12th फेल. इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है ब्रिलियंट मैन विधु विनोद चोपड़ा. 12th फेल मूवी को उन्होंने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया है कि इसे देखने के बाद हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा है. तो चलिए देखते हैं इस मस्ट वॉच मूवी 12th फेल के कुछ बिहाइंड द सीन्स और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से लोकेशंस पर इस मूवी को शूट किया गया है. साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए मेकर्स को क्या क्या करना पड़ा. तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निगम क्रिएशंस पर. जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि बेस्ड है मनोज कुमार शर्मा पर, जिन्होंने अत्यधिक गरीब परिस्थितियों के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक किया और आईपीएस ऑफिसर बने. इस मूवी की स्टोरी राइटर्स ने अनुराग पाठक जी की लिखी हुई बुक 12th फेल से ली है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विक्रांत इनटू मनोज. विक्रांत मसे ने जिस परफेक्शन के साथ मनोज कुमार शर्मा के इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो शायद ही कोई और कर पाता. उस रोल के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी. एक्चुअल शूट शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर विधु चोपड़ा विक्रांत मसे और मूवी के कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस गांव में आए थे. ये मध्य प्रदेश का रेहा विलेज है जो कि चंबल एरिया के पास है और यहीं पर इस मूवी के सारे गांव वाले सीन्स शूट हुए थे. मनोज का ये गांव वाला लुक जो हमें इतना परफेक्ट दिखता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था. वो हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली खुद को टैन कर लिया था जस्ट टू अचीव दैट परफेक्ट लुक. अरे क्या बात है. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. लेकिन ज्यादा धूप की वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी कि वो जली हुई लग रही थी और ये कुछ सीन्स में एविडेंट भी है. फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जहाँ मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है ये कहकर खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो. एंड देन ये वाला सीन मेंस एग्जाम में फेल होने के बाद जब मनोज श्रद्धा के घर मसूरी जाते हैं उस सीन में भी उनकी बर्न्ड स्किन हमें क्लियरली दिखती है. इसे वो लोग मेकअप से कवर डेफिनेटली कर सकते थे लेकिन विक्रांत ने कहा कि इसे एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि उस सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम और विक्रांत भी उस वक्त बर्न्ड स्किन की वजह से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे. इस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर पा रहे थे. बाय द वे अगर मेकर्स चाहते तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग के वक्त भी स्किन को क्लियर और लाइटन कर सकते थे बट दे हैड डिसाइडेड टू कीप इट नेचुरल. मध्य प्रदेश के उस रेहा गांव में शूट हुए सीन्स के ये रहे कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप जिसमें 12वीं क्लास में पास होने के लिए मनोज पर्चियां बना रहा होता है. देखिए डीओपी ने कैसे उसे अपर एंगल से शूट किया था और तब इतना भारी वजन का कैमरा उन्होंने अपनी कमर से बांधा हुआ था. मेकिंग ऑफ चीटिंग सीन. ये जो चीटिंग वाला सीन है इसे शूट करते वक्त डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को काफी तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ साथ हमें इसमें दिख रहे सभी स्टूडेंट्स रियल हैं. जूनियर आर्टिस्ट को पता होता है कि शूटिंग के टाइम कैसे बिहेव करना है और भीड़ वाले सीन्स में उनकी नजर कैमरे की तरफ होनी चाहिए कि नहीं लेकिन इन स्टूडेंट्स को बार बार बताने के बावजूद भी वो वही गलती दोहरा रहे थे
और फाइनली जैसे तैसे उन्हें कसम देकर डायरेक्टर साहब ने उनसे ये एग्जाम वाला सीन शूट करवाया था। कैमरे में नहीं देखा। एंड कट वन मोर। कलाकारी दिखा रहे लेकिन कैमरे में नहीं देखा। एक कैमरे में देखा। कट। सारे लोग बोलो कसम खाओ पहले सब लोग। ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाते हो तुम? इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूँ कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा। बिल्कुल मास्टरिंग अ जुगाड़ ड्राइविंग टोटल इसमें चारों रिवर्स। ये जो सवारी थी उसे गांव वाले लोग जुगाड़ कहते हैं क्योंकि इसे किसी कंपनी में नहीं बल्कि गांव के किसी बुद्धिमान आदमी ने लिमिटेड रिसोर्सेज से जुगाड़ करके बनाया होता है। इन जुगाड़ू चीजों को चलाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना इसका इनोवेशन। घर के खर्चे निकालने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड़ को चलाते हैं। इन कुछ सीन्स के लिए मनोज के भाई का रोल प्ले कर रहे एक्टर राहुल कुमार ने स्पेसिफिकली ये जुगाड़ चलाना सीखा था और तब जाके इसके कुछ सीन्स उसी एमपी के गांव रेहा में शूट किए थे। पहले दिन तो मुझे बहुत तंग किया इस अफला तुमने, लेकिन हाँ धीरे धीरे पकड़ में आई। मेकिंग अ सेटअप एट मुखर्जी नगर। जब मनोज अपने नए नवेले दोस्त पांडे के साथ आईपीएस बनने दिल्ली आता है तब वो वहाँ लगे हुए सब कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट्स वाले ढेर सारे बैनर्स और पोस्टर्स देखता है। उसी के साथ वो मुखर्जी नगर की भीड़ भी देखता है और अपने दोस्त से कहता है, ये सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? Well, ये सब जो बैनर्स वहाँ लगे हुए हैं वो मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर टीम की ही बनाई हुई है। इस सीन को दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही शूट किया गया था जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हब भी कहा जाता है। नंबर 5, मेकिंग इट रेन ऑन अ सनी डे। ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। श्रद्धा की इस कोचिंग क्लास में मनोज से मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद वो उसे ढूंढते हुए विद्या वाचनालय आती है। यहाँ इस सीन की रिक्वायरमेंट थी बारिश का मौसम, मगर शूटिंग के दिनों में यहाँ तेज धूप पड़ रही थी। इस सीन के लिए टीम ने 2 रेन मशीन का यूज किया था और जब श्रद्धा इस लाइब्रेरी में एंटर हो रही थी तब हम देख सकते हैं कि उस सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। नंबर 6, मेधा सैंग अ सॉन्ग इन रियलिटी। इस ट्रूथ एंड डेयर सीन में जब श्रद्धा पर गाना गाने का डेयर आता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आवाज ना श्रेया घोषाल की है ना किसी और प्लेबैक सिंगर की, बल्कि इसे खुद मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मेधा शंकर ने ही गाया है और वो भी ऑन लाइव लोकेशन। इससे हम समझ सकते हैं कि ये मूवी कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई गई है। जब कास्ट एंड क्रू में से कोई भी कोई अच्छा काम करता था तो डायरेक्टर विधु उसे 20 रुपए एज अ रिवॉर्ड देते थे एज अ मार्क ऑफ गुड जॉब दैट समबडी हैड डन। जब इस पर्टिकुलर सीन का शूट खत्म हुआ तो विधु जी ने मेधा को 100 रुपए दिए थे विच वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज रेगुलर रिवॉर्ड। इन डीड इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि सच में यहाँ पे मेधा जी की परफॉर्मेंस हार्ट स्टीलिंग थी। 100 रुपीज। वाह वाह। मैंने कि 100 रुपीज यू नो नाइस इट। ये सीन दिल्ली के दिल्ली हार्ट इस रियल लोकेशन पर शूट हुआ था। इस सीन को अगर आपने गौर से देखा हो तो आपको रियल कपल मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी भी यहाँ पीछे बैठे हुए दिखाई देंगे। इन दोनों को बैकग्राउंड में आउट ऑफ फोकस ही क्यों ना हो, लेकिन इस मूवी का हिस्सा बनाना था और ये आइडिया डायरेक्टर विधु जी का ही था। इस सॉन्ग को फिर बाद में मेधा जी की आवाज में एज अ फिल्म वर्जन भी रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 7, रजनीश ट्रांसफॉर्मेशन। फिल्म के सभी कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एजिंग की जा रही थी और उनके लुक चेंज किए जा रहे थे, लेकिन जब मनोज की छोटी बहन रजनी की बात आई तो उसे छोटा बड़ा कैसे दिखाया जाए, ये चैलेंज मेकर्स के सामने था। इसकी तो कोई छोटी बहन भी नहीं थी जिसे वो छोटी रजनी दिखाते, लेकिन हाँ इसका एक छोटा भाई जरूर था, तो उन्होंने उस पर ही एक्सपेरिमेंट किया और उस लड़के को ही छोटी रजनी बनाकर शूट किया। और क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे उनके फेस कट्स अच्छे से मैच हो रहे थे और कुछ इस तरह उन्होंने रजनी के कैरेक्टर में ऑथेंटिसिटी मेंटेन की थी। नंबर 8, स्पेशल अपीयरेंस ऑफ डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति। हम सब इससे वाकिफ हैं कि 12th फेल में दृष्टि आईएएस के फाउंडर एंड कोच विकास सर का स्पेशल अपीयरेंस है। डायरेक्टर ने एक्शन बोलते ही विकास सर की क्लासरूम में एंट्री हो जाती है। सर आगे जाकर स्टूडेंट्स को सिविल सर्वेंट का महत्व समझाते हैं।
एंड एक्शन। आइए विकास सर, वेरी गुड, वॉक फास्ट। बैठिए। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं मैं खड़ा हूं। जब ये शॉट फाइनलाइज हुआ तो डायरेक्टर विधु जी ने विकास सर को गले लगाया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, सुनिए। For 50 years now, but this is the one of the best crowd scenes I've handled. I am so worried about the looks, and none of you look at the camera. So hats off to you. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी के कुछ सीन्स और डायलॉग्स विकास सर ने खुद ही लिखे हैं, खास करके ये लास्ट वाला इंटरव्यू वाला सीन। वेल, 12th फेल को पहले राजकुमार ईरानी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन इसे लिखते लिखते विधु जी इन कैरेक्टर्स से कुछ इस तरह अटैच हुए कि उन्होंने इसे खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला किया। यूजुअली विधु विनोद चोपड़ा अपने फ्रेंड्स राजकुमार ईरानी और अभिजात जोशी के साथ कोलैबोरेट करके लिखते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में वो दोनों डंकी पर काम करने में बिजी थे। काश राजकुमार ईरानी डंकी की बजाय 12th फेल को डायरेक्ट करते, उनकी डंकी ने तोड़ी हुई ब्लॉकबस्टर की स्ट्रीक टूटने से तो बच जाती। शूटिंग एट यूपीएससी हेडक्वार्टर, क्लाइमेक्स में जब यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद मनोज को जो इंटरव्यू कॉल आता है, तब मनोज के साथ श्रद्धा उसे यूपीएससी हाउस तक छोड़ने आती है। यहाँ गेट के बाहर जितने भी सीन्स हैं, इन्हें रियल लोकेशन दिल्ली के धौलपुर हाउस पर ही शूट किया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर यूपीएससी के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, और यहाँ पर मूवी को शूट करने के लिए मेकर्स को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद के जितने भी अंदर वाले सीन्स हैं, उन्हें वहाँ शूट के लिए परमिशन नहीं मिली, और इसी के कारण उन्होंने ये सारे सीन्स इसी हाउस के रेप्लिका में शूट किए थे। ये एग्जैक्ट रेप्लिका न्यू दिल्ली में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। मेकिंग ऑफ द सॉन्ग रीस्टार्ट, बॉलीवुड में जो पहले कभी ना बना हो, कुछ ऐसा एंथम सॉन्ग डायरेक्टर विधु जी को इस 12th फेल मूवी के लिए बनाना था, जैसे कि कोई कमरे में गा रहा हो, थोड़ा सुरीला और थोड़ा बेसुरा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तो शांतनु मोइत्रा ने इस रीस्टार्ट सॉन्ग को कंपोज किया था, और देखिए इसे कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। विधु जी ने इसे उनके असिस्टेंट डायरेक्टर से रिकॉर्ड करवाया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये लोगों का गाना है तो लोगों को ही गाना। डिटेलिंग इन द शॉट्स, 12th फेल को कम्प्लीटली ऑथेंटिक बनाती है इस पर की गई डिटेलिंग। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ डिटेल्ड सीन्स की। सबसे बेस्ट चीज ये थी कि मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी, इन दोनों के भी रियल लाइफ के नेम्स मूवी में भी एज इट इज रखे गए थे। मनोज गरीब घर से बिलोंग करता है, तो उसके सभी सॉन्ग्स हमें क्लासिकल बैकग्राउंड म्यूजिक के ही सुनने को मिलते हैं। तो पैसा। और श्रद्धा के सोलो सॉन्ग्स पर मॉडर्न म्यूजिक का लहजा है। तुम नजर से बोलो ना। लेकिन जब वो दोनों साथ में आ जाते हैं, तब इन दोनों क्लासिकल और मॉडर्न म्यूजिक को ब्यूटीफुली कंबाइन करके प्रेजेंट किया गया है। अब जाओ, पलट दो दुनिया। विल यू मैरी मी मनोज। श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जब मनोज के इंटरव्यू के दिन दिल्ली आती है, जिस व्हाइट एम्बेसडर कार में वो दोनों यूपीएससी के लिए ट्रैवल करते हैं, उस कार के नंबर प्लेट की शुरुआत यूए यानी कि तब के उत्तरांचल और आज के उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है। 12th फेल के ऑलमोस्ट सभी सीन्स रियल लोकेशन पर ही शूट हुए हैं। हालांकि गांव वाले सभी सीन्स को डायरेक्टर और टीम इजीली मुंबई फिल्म सिटी में शूट कर सकते थे, बट दे डिसाइडेड टू शूट इट इन द रियल विलेज ऑफ रेहा, जस्ट टू बी अ लॉट मोर ऑथेंटिक। ये पहली ऐसी फिल्म है जो रियल मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में शूट हुई है, और वो भी रियल यूपीएससी स्टूडेंट्स के बीच। मुखर्जी नगर में हर हिंदी मीडियम का वो बच्चा था जो अपने गांव में ये भूल के आया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं भी एक। इस मूवी का हर एक सीन डिटेल है, जिन्हें डायरेक्टर और उनकी टीम ने काफी मेहनत और ध्यान से बनाया है। हार नहीं मानूंगा 12th फेल रीस्टार्ट बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। इसका माने क्या है, हजारों कहानियों से प्रेरित है, तो हजारों कहानियां किन की कहानियां है, वो आपकी कहानी है। और वो पोस्टर में आप ढूंढते रहिएगा कि हीरो कहाँ है,
आपको नजर नहीं आएगा। एक्चुअली इसमें अगर हम स्पॉट द हीरो कॉन्टेस्ट करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि है कहाँ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें तो एरो लगाया है हमने आपके लिए कि आप ढूंढ लें कि हीरो कहाँ। ये होते हैं रियल हीरो, हजारों में से एक मनोज, जैसे हजारों लोगों लाखों लोगों में आप एक है। कई लोगों ने कहा कि सुनता हीरो जो गौरी भैया है, कोई कहता पांडे है, कोई कहता मनोज है, कई कहते श्रद्धा है। तो जब आप ये फिल्म देखें तो हमको जरूर बताइएगा कि आपकी नजरों में इस फिल्म का सही हीरो कौन। मैं भी हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है मैं हूँ तो वो बता दीजिए। 12th Fail 27th October 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। रिलीज पर क्रिटिक्स ने तो इसे अच्छा रिस्पांस दिया ही था, लेकिन पब्लिक ने भी इसके तारीफों के पुल बांध दिए थे। यही नहीं बल्कि कमल हासन सर ने भी 12th Fail देखने के बाद तारीफ भी की थी। नमस्ते, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द एनएफडीसी थिएटर इन चेन्नई वेयर आई सॉ 12th Fail बाय मिस्टर विधु विनोद चोपड़ा। He's a friend of mine. These are occasions when you feel proud to say that you're somebody's friend. It's not an ambitious film, but it's a film about ambition. And to craft such a film and make it work, that is ambitious. And he has embarked upon it. I'm very happy I saw the film. Most of them who saw the film I spoke to had only one thing to say. Long time since we saw a good film like this. I would like to second that motion. Thank you, Vinod Chopra, for making a film like this. It brings back hope in filmmakers like me to confidently go ahead and do what you love most. Restart. अगर आप भी 12th Fail देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको विक्रांत मेधा और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या रहा तेरा रिजल्ट का? IPS। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से। गाइस, दिस वाज द मूवी ऑफ 12th Fail, मूवी बिहाइंड द सीन्स, और उसके ऊपर लोकेशन बताई गई, लोकेशन कौन सी थी और क्या क्या डिटेलिंग की गई बताया गया। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत से डायरेक्शन हुई हुई इस मूवी की और बहुत ही अच्छी मूवी बनी है। मैंने देखी है, मुझे तो एक एक उसका सीन बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी रियल स्टोरी भी बनाई गई है। इवन कि बताया भी गया है कि जिस एक्टर ने भी बहुत काम किया, जो लीड कैरेक्टर थे मनोज, उन्होंने कैसी एक्टिंग की, उन्होंने अपने आप की बॉडी को भी शो किया, मेकअप भी करवा सकते थे लेकिन वो धूप में खड़े होकर अपनी बॉडी को टैन करते थे ताकि वो उस लुक में आ सके, ताकि पता चल सके कि जरा ना डार्क कलर है, कम्प्लेक्शन आता है बंदे का। और ये असली लोकेशंस पे शूट की गई है। एक तो ये बहुत बड़ी इसकी अच्छी बात है कि स्पेशली विलेज रहा ये विलेज में गए जाके, चंबल में जहाँ पे है तो वहाँ पे किया गया। फिर वो एक जुगाड़ गाड़ी होती है, वो भी इन्होंने सीखी प्रॉपर जो बंदा था, ताकि वो प्रॉपर हर तरह को मैनेज जो किया गया ना, वो बहुत ही अच्छी तरह मैनेज किया गया। और क्या जो डायरेक्शन थी ना मेन विधु विनोद चोपड़ा की, वो आउटस्टैंडिंग थी कि उन्होंने मतलब कि उन्होंने रियल लोगों को लिया। ये नहीं होता कि वो दूसरे आर्टिस्ट भी बैठ जाते, लेकिन इन्होंने जब इन्होंने क्लासरूम को भी लिया, शॉर्ट्स लिए, तो वो वहाँ रियल लोग थे वहाँ के। तो उनके बच्चों को डांट भी रहे हैं जब वो 12th Fail के 12th में पेपर दे रहे हैं, तो उसके अंदर भी बताया गया। फिर जब IPS ऑफिसर जब IPS के क्लासरूम टेस्ट ले रहे होते हैं या फिर क्लासेस ले रहे होते हैं एकेडमी में, तो उसके अंदर भी जो रियल पढ़ाते हैं टीचर, उनके बहुत बड़े मशहूर टीचर हैं वहाँ के प्रोफेसर, वो खुद आए उसके अंदर, उन्होंने ही उसके अंदर अपनी क्या करवाया और रियल लोग थे जो बैठे हुए थे। और इसमें एक और मजे की चीज़ थी कि इसके अंदर जो रियल कैरेक्टर्स थे वो भी इसमें शामिल थे, जो कि जिनके ऊपर फोकस नहीं किया गया, ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता था, लेकिन बाद में बताया गया कि ये लोग ओरिजिनल भी इस मूवी के पार्ट रहे हैं। और मुझे तो मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी लगी थी। इसकी डायरेक्शन भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। और ये बताया गया कि जिस जगह के अंदर वो इंटरव्यू था वो स्पेशली बिल्ड की गई, वो एरिया बिल्ड किया गया प्रॉपर, ताकि रियलिस्टिक, हर चीज रियलिस्टिक लगनी चाहिए कि जैसे रियल में हम एक ये स्टोरी चल रही है। तो मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई है। आई नो आप लोगों की भी बहुत पसंद आई होगी, बिकॉज ये इस वक्त इसका ट्रेंड चल रहा है और टॉप क्लास, टॉप नॉच किस्म की मूवी बनाई गई है। ऐसा ही है बिल्कुल। और मुझे देखकर यही वाइब आ रही थी थ्रू आउट द सीन, जिस तरह से डायरेक्टर वो डायरेक्ट कर रहे थे और गाइड कर रहे थे पूरी टीम को, कि बहुत उन्होंने कोशिश ये की है इस मूवी के थ्रू कि मूवी को बहुत रॉ और ऑथेंटिक रखा जाए, लाइक उसके अंदर ज़्यादा फेक चीज़ें ना ऐड की जाएँ, जितना रियल हो सकता है उतना रियल दिखाया जाए। तो ये पूरा फोकस रहा है थ्रू आउट द मूवी। लाइक जो होता है ना कि मेकअप कर लिया जाए, या कह लिया जाता है कि लाइक उस तरह का ऑल्टरनेट कोई
स्टूडियो होता है वहां पर शूट कर लेते हैं। उनकी कोशिश यही रही है थ्रू आउट द मूवी उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए कि रियल जगहों पर जाकर ही उसको शूट करें, ताकि वो ऑडियंस और जो आवाम है जिन लोगों के लिए ये मूवी बनाई जा रही थी वो लोग रिलेट करें उसको उसके साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है देखकर, इस तरह की बहुत कम मूवीज होती हैं और मैं कहूँगी कि सालों में कोई ऐसी एक मूवी ऐसे निकल कर आती है, वरना नॉर्मली हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ही मूवीज होती हैं और इसके अंदर कोई भी उस तरह से चीज नहीं दिखाई गई। लाइक बहुत ज्यादा फोकस म्यूजिक पर नहीं था, बहुत ज्यादा फोकस किसी और चीज पर नहीं था, फोकस मेनली एक स्टोरी, रियल बेस्ड स्टोरी पर था और उसको रियल ही करके दिखाने की फुल कोशिश की गई है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा लाइक मैं कहूँगी अच्छा लगा है ये देखकर, और ये मूवी डिजर्व करती है कि इसको रेट किया जाए ऑन द टॉप लिस्ट। ठीक है, तो दैट्स माय ओपिनियन ऑन इट। और ऑडियंस में मैं ये भी कहूंगी कि डायरेक्टर्स को ना समझ आ जाती है कि ऑडियंस किस तरह से कनेक्ट करेगी। ऑडियंस इसीलिए भी, वो जो बाद में रिव्यू दिखा रहे थे वो इसीलिए भी पसंद कर रहे थे क्योंकि वो समझ पा रहे थे। जब आप एक चीज के साथ कनेक्ट कर पाते हैं ना ऑन रियल बेस, तो आपको वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो स्टोरी हो चाहे वो आपकी डायरेक्शन की कोई वे हो। जब आप ज्यादा कनेक्ट करते हो तो आपको वो फिर ज्यादा अच्छी लगती है चीज। तो मेरे ख्याल से ये एक रीजन है, इसलिए लोग ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं। ये भी होता है कि जो डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा, इन्होंने एक रिस्क लिया बिकॉज ये इस तरह की मूवीज है ना ज्यादा तो आवाम देखती नहीं है, बिकॉज जो गाँव देहातों और इन जगह लोग होते हैं ना, ये मिर्च मसाला डांस वगैरह और इस तरह के आम लोग शहरों में भी वो लोग पसंद करते हैं कि जी की डांस वाला मसाले वाली हो, कि मूवी हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, इस तरह की चीजें जरा हैपनिंग हो। ये जरा मूवी हैपनिंग नहीं थी, ये जरा इंटेलेक्चुअल वाली और इस तरह की मूवी थी, लेकिन बहुत मजे की थी। एक सैड स्टोरी भी थी, खुशी भी थी, गमी भी थी, हर तरह का था। लेकिन ये हर तरह लोग नहीं देख सकते, उसमें गाने कोई थे ही नहीं। एक जो लड़की ने गाना गाया, एक दो गाने होंगे, बहुत कम गाने थे, लेकिन इट वॉज ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखकर एंड आई होप सो कि सारों को इसलिए भी पसंद आई होगी, क्योंकि आजकल के दौर में ना जितना रियल दिखाया जाए मेरे ख्याल से वो ज्यादा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट और स्टोरीज क्रिएट करने वाली चीजें तो देखते ही चले आ रहे हैं, लेकिन अब लोग देखना चाहते हैं जो रियल में है, ताकि जो हम आम आवाम देखने वाले हैं हम उससे रिलेट करें कि हाँ ठीक है ये हम में से भी किसी की स्टोरी हो सकती है। तो डायरेक्टर का मेन फोकस इसी चीज पर था जब भी उन्होंने मूवी को बिल्कुल रॉ और ऑथेंटिक रखा। सो वी रियली एंजॉयड वॉचिंग इट। अगर आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया है, रिएक्शन को एंजॉय किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में।